एक तरीके से प्रॉपर जो डिबेट आज शुरू हुआ, एक सेशन एक दिन हमारा नुकसान हुआ, तो 16 आवर्स डिस्कशन का टाइम दिया है, तो कल प्रधानमंत्री जी का जवाब होगा लोकसभा में। मैं सिर्फ इसलिए आपको एक विषय रखना चाहता हूं आपके सामने में, हमने 2004 से श्री राहुल गांधी जी को देखा है, तो कोई पद में नहीं थे तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्कापन और नाटकीय मजाक ऐसे चलते थे, और कभी कभी स्पीकर अचानक से 3 बजे राहुल का भाषण होगा, ना वो मंत्री है, ना पार्टी का अध्यक्ष, ना कुछ नहीं, ऐसे वहां पे उसको मौका देता था, हम लोग देखते थे ये सब। आज लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं और संवैधानिक पद पर है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेवियर में, उनके आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव होगा, ये हम उम्मीद कर रहे थे। आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन नाते से उन्होंने जब अपना बात रखने शुरू किया, तो प्रधानमंत्री जी जैसे हमेशा करते हैं एलओपी का भाषण में प्रधानमंत्री जी मौजूद रहते हैं, उसमें एक लेवल ऑफ डिबेट, लेवल ऑफ डिस्कशन होते हैं, संसद का एक गरिमा होते हैं। आज उनके भाषण के दौरान जो हमने देखा है, हमारे मन में इतना पीड़ा है, बार बार स्पीकर के चेयर से उसको बोला गया कि आप बात करते समय तर्क प्लस आपका पीठ स्पीकर के ओर ना दिखाए, रूल को पढ़ के भी सुनाया कि कोई भी सदस्य जब सदन में बोलते हैं तो आपका पीठ चेयरमैन और स्पीकर की तरफ नहीं दिखा सकते हैं। वो मोर के बार बार अपने एमपीज को एड्रेस कर रहे थे और पीठ बार बार स्पीकर को दिखा रहे थे, और फिर जब उसको कुछ बोलते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है। राहुल गांधी को सुनने का जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टेबल से चेयर से कुछ भी उसको मैसेज देता है, बोला जाता है, उसका समझ में नहीं आता है। डिबेट का लेवल इस तरह गिर गया हमने कभी देखा नहीं है। हम लोग नए नए एमपी बन के आए थे, अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, आडवाणी जी, प्रणब मुखर्जी, कई लोगों का हमने देखा है, हम लोग सीखते थे। आज नए एमपी सीखने के लिए कुछ नहीं बचा राहुल गांधी से, क्योंकि आज एलओपी का हिसाब से जो उन्होंने एड्रेस किया, मुझे तो लगता है कि नए एमपीज को बोलना पड़ेगा कि इससे मत सीखो, क्योंकि सब लोग पहले सत्र में सीनियर एमपी से सीखते हैं, और इस बार तो 282 नए सांसद चुन के आए हैं, और पहले सेशन में जिस तरीके से नए एमपीज को देखने को मिला, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो बेसिकली जो रूल्स एथिकेट्स है पार्लियामेंट का, उसको मानना चाहिए, और उसी से सदन चलता है, एक परिवार और एक व्यक्ति से सदन नहीं चलना चाहिए, नियम। उन्होंने स्पीकर को बार बार बोला कि माइक बंद करता है, स्पीकर बार बार बोला जब समय देता है तभी माइक ऑन होता है, और वह बार बार सस्पेंशन का बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सस्पेंड किया जाए। इसी लास्ट पॉइंट से मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंट एड्रेस करते हैं तो उसका तुरंत बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होते हैं। आप आज पलट के देखिए राहुल गांधी जी का पूरे भाषण में एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तक नहीं दिया, उसको सिस्टम ही पता नहीं है हमारा। आप पिछले 20 साल का आप पूरा देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण में हर एक स्पीच को देखिए,